दोस्तों, जंगे बदर से पहले अरब के शहर मक्का में रहने वाले लोगों को ये लगता था कि हमारे शहर का एक इंसान एक नया और झूठा दीन ले आया है जो लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराता है। दूसरी तरफ लोग ये भी सोचते थे कि ये इंसान कितना भी अपनी दीन फैला ले पर ये कभी भी हमारी दुनिया की ताकतों के सामने मुकाबला नहीं कर सकेगा। पर जंगे बदर के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। जो लोग हजरत मोहम्मद को मिटाना चाहते थे उनका घमंड चूर चूर हो गया था। इस जंग के बाद जो लोग मुसलमानों को कमजोर और बुजदिल कौम समझा करते थे अब वो लोग मुसलमानों से डरने लगे थे। दोस्तों, आज से लगभग 1400 साल पहले मुसलमानों के इतिहास की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। जिस मैदान में ये जंग हुई थी वो अरब देश के दो मशहूर शहर मक्का और मदीना के बीच में मौजूद है। मुस्लिम तारीख की इस पहली जंग को इतिहास में जंगे बदर के नाम से जाना जाता है। इस जंग की गिनती दुनिया की उन जंगों में की जाती है जिन जंगों की वजह से पूरी दुनिया का इतिहास बदल गया था। दोस्तों, सन 624 हिजरी ये वो समय था जब मुसलमानों को अपने बचाव में भी किसी के ऊपर हाथ उठाने की इजाजत नहीं थी और यही वजह थी कि मक्का शहर में मुसलमानों के ऊपर बे इंतहा जुल्मो सितम होने के बावजूद भी मुसलमानों के आखिरी पैगंबर ने किसी भी मुसलमान को हाथ उठाने की इजाजत नहीं दी थी। ये वो वक्त था जब पैगंबरे हजरत मोहम्मद इस्लाम हुक्मे इलाही लोगों को अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे। उनके इसी काम की वजह से मक्का के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे। जब मक्का के लोगों ने सारी जुल्मो सितम की हदें पार कर दी तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मक्का के लोगों को हिजरत करने का हुक्म दिया गया जिससे आप हजरत मोहम्मद आखिरकार हिजरत कर मक्के से मदीना आ गए। इस दौरान अपने साथ आपके चंद जानिसार साथी थे जो आपके साथ ही इबादत इलाही में मशरूफ रहा करते थे। ये लोग हुजूर साहब की तरह तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे। इन लोगों ने हुजूर साहब के कहने पर कभी आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की और न कभी किसी की बात का जवाब दिया करते। दोस्तों, मुसलमानों के मदीने में हिजरत करने के बाद भी मक्का के लोगों ने मुसलमानों का पीछा नहीं छोड़ा और अब उन लोगों ने धीरे धीरे मदीने में रहने वाले बड़े बड़े सरदारों को धमकी से भरे हुए खत लिखना शुरू कर दिए। इन खतों में ये लिखा हुआ करता था कि तुम लोगों ने हमारे ही लोगों को पना दे रखी है, तुमको चाहिए कि तुम लोग जल्द से जल्द उन लोगों को वापस हमारे पास भेज दो वरना हम लोग तुम लोगों के ऊपर हमला कर देंगे। जब कुफार नबी करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें करने लगे तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम उससे जंग करो। इसके बाद मक्का और मदीना के बीच किसी बात पे छोटी मोटी जंगें हो जाया करती थी क्योंकि अब मुसलमानों को भी अपने बचाव में हाथ उठाने की इजाजत मिल चुकी थी। उन लोगों को ये हुक्म मिल गया था कि वो लोग अब जुल्म से दबने के बजाय जालिम के जुल्म के खिलाफ अपनी अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक बार मक्का शहर का एक तिजारती काफिला मुल्के शाम यानी सीरिया से मक्का शहर में वापस आ रहा था। इस काफिले की सरदारी अबू सुफियान नाम का एक ऐसा इंसान कर रहा था जिसको उस समय में मक्का के सबसे बड़े सरदारों में से एक माना जाता था। दोस्तों, ये जिस काफिले को लेके मक्का जा रहे थे उसका रास्ता मदीना शहर की तरफ से होकर ही गुजरा करता था जिससे अबू सुफियान को मुसलमानों के हमला का खतरा लगा और उसने तुरंत एक खत लिखकर मक्का शहर की तरफ रवाना कर दिया। इस खत में लिखा था कि हमारे काफिले पर मदीना के मुसलमानों के हमले का खतरा मंडरा रहा है, लिहाजा जितना जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए मदीना पहुंचो। ये सुनते ही मक्का के सबसे बड़े सरदार अबू जहल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और हजार का बड़ा लश्कर लेकर जो कि हथियारों से लैस था मदीने पर चढ़ाई करने के इरादे से निकल पड़ा। दूसरी तरफ जब इस बात की खबर मुसलमानों को हुई तो फिर उन लोगों ने भी हजरत मोहम्मद साहब के हुक्म पर जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मुसलमानों के पास 1000 की फौज के मुकाबले सिर्फ और सिर्फ 313 सिपाही ही मौजूद थे। इसके साथ उनके पास बस 2 घोड़े, कुछ ऊंट और चंद तलवारें मौजूद थी। वही मक्का की फौज पूरी तरह से हथियारों से लैस थी। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सहाबा के साथ आए और एक डंडा लेकर लकीर खींच गोल दायरा बनाए। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजह जाननी चाही। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा। कुछ दूरी पर दूसरा दायरा खींचा और फरमाया कि उमैया यहाँ मारा जाएगा। तीसरा दायरा खींच कर फरमाया सैबा यहाँ मारा जाएगा। चौथी लकीर खींच कर फरमाया कुतबा यहाँ मारा जाएगा।
किसी भी जंग में अमूमन होता तो यह है कि पहले जंग होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं, मगर कुर्बान जाइए आका के हालत गैब के इल्म पर, जिसमें जंग बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले दे दी गई। अबू जहल वो बदबख्त था जिसने अल्लाह के रसूल को बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बदबख्त को जब अल्लाह के रसूल और उनके जानिसारों की खबर मिल गई तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है, मुट्ठी भर, इसीलिए अच्छा मौका है सबको हलाक करने का, ताकि कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा को मानने वाला ही नहीं रहेगा तो इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों की तादाद कई गुना अधिक थी, जिसमें कुरैश कबीलों वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी न किसी के करीबी रिश्तेदार भी थे, यहाँ तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चाचा मामू भी था। तब अल्लाह के रसूल ने अपने रब से दुआ की कि ऐ मेरे रब, अगर इस जंग में हम नाकाम रहे तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई न रहेगा। अल्लाह ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्लाह के रसूल की तरफ से एक सहाबी उमैदा बिन हारिस ने उस वक्त आपसे जन्नत के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? आपने उससे कहा, हाँ बेशक तुम जन्नती हो। और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। अचानक ही जंग के दौरान महाज और मुआविश नाम के दो बधो आए, एक 10 और दूसरा 12 साल का था। दोनों बधो ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अबू जहल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन बधो से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जंग से दूर रहना है। मगर उन बधो ने कहा कि वो गुस्ताख हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था, हम उसे मारेंगे। कहते हुए दोनों हाथ में छोटी तलवारें लिए वे दुश्मनों के लश्कर में घुसते चले गए। वे अबू जहल तक पहुंचे और ऐसा मारा कि वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अबू जहल को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है। तब वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या वो वही जगह है जहां लकीर खींची गई थी। उसके साथियों ने हाँ कहा तो वो छटपटाते हुए दायरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। साथी उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि अबू जहल ने दम तोड़ दिया। जंगे बद्र में अबू सुफियान के तीन बेटे इस्लाम की मुखालिफत में लड़े, मुआविया, हंजला व अम्र। हंजा हजरत अली करामल्लाहु ताला अनु के हाथों कत्ल हुआ, अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए, कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिर का हक की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियां बांधी गई है उन्हें ढीली करो, इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी है। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका काम ये था कि वो लोगों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। तो दोस्तों, तो ये था हमारे नबी का अखलाक, जो अपने दुश्मन को भी तकलीफ में नहीं देख पाए।